नेपालको तराई भागमा बस्ने विशेष गरेर मधेसी दलितको रूपमा चिनिएका मुसहर समुदायका मानिसहरूको आस्थाको केन्द्र रहेको दिना भद्री त्यो उनीहरूको पुर्खाको रूपमा परिचित छन्, जसलाई उनीहरूले अहिले भगवानको रूपमा मानिरहेका छन्। दिना भद्रीको गाथा सप्तरी जिल्लासँग गाँसिएको छ। सप्तरीको खड्ग नगरपालिकामा भर्खरै दिना भद्री महोत्सवको आयोजना गरिएको छ। यो दिना भद्री जो दिना र भद्री दुईजना दाजुभाइ वीर साहसी र पीडितहरूको पक्षमा लड्ने योद्धाको रूपमा चिनिएका छन्। यिनीहरू दुईजनाले गाउँघरमा मुसहर जातिहरू र अन्य जातिहरूको बिचमा पनि जुन अन्याय अत्याचार हुन्थ्यो त्यसको विरुद्धमा उनीहरू लड्ने गर्दथे। त्यसैले उनीहरू यही अत्याचारको विरुद्धमा लड्ने भएकोले अत्याचार गर्नेहरूकै षड्यन्त्रमा परेर उनीहरूको मृत्यु भएको थियो र उनीहरूको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष मुसहरहरूले दिना भद्री महोत्सव मनाउने गरेका छन्। यहाँ तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ यो दिना भद्रीको दर्शन गर्न आउनुभएका दर्शालुहरू मुसहर समुदायका मानिसहरू बाहेक अन्य जातका पनि छन् र यहाँ 3 दिनसम्म चैत्र 25, 26, 27 गते मेला लाग्ने गरेको छ, महोत्सव लाग्ने गरेको छ। यो महोत्सवमा मुसहर समुदायका सङ्गठनहरूका एकजना नेता रामस्वरूप सदाले आफ्नो मन्तव्य राख्दै हुनुहुन्छ। हम आदरणीय प्रदेश सरकार से हम लेना चाहे छे अपने सबके चीज पे करके इस देश में 16,000 शैक्षिक बेरोजगार इस देश में रोजगार बढ़ते चार खे बढ़ते लेकिन आई शैक्षिक बेरोजगार कर रहा मुसा सब आई रोजगार के अवसर में प्राप्त भला के कारण से मुसा समुदाय में शिक्षा के हरासमेंट कर रहा से उपस्थित आदरणीय अतिथि लोकेन से हमारा आग्रह है नेपाल देश के मुसहर से आग्रह है कि इस देश के भूमि पुत्र मुसहर समुदाय है लेकिन आई हत्यारों से मुसहर के उठी बांस मारो से अपने सबके ध्यान दिए पते हम मित्र लोकेन और अतिथि गण में कहिए जय समुदाय पचारी पाते आई उस समुदाय जगह से उखड़ होते घर से उखड़ होते घर पर भी भर होते एक दबाव इस प्रदेश के सरकार मत ले केंद्र के सरकार के तली दुआ पड़ते यदि नहीं देते तो 2076 साल से हम सब जन आंदोलन मात्र नहीं विशेष आंदोलन के गरिमामय के अवस्था में पुगे छे। ते द्वारा हम आदरणीय प्रमुख अतिथि महोदय से आग्रह करना चाहिए 2076 साल में मुसहर समुदाय के अग्रगामी परिवर्तन हेतु आके आंदोलन के चरण के घोषणा में है। यदि देश में आंदोलन के चरण के घोषणा है तो ऐसे पड़े वाला क्षति ई प्रदेश नंबर दुई मात्र नहीं राष्ट्र के सरकार के भी दिए पड़ते के हम लोग के मान छे अपने सबके हम सब मेला में नहीं बोले छे सीमा से बाहर मुसहर समुदाय। तपाईहरुले सुन्नुभयो रामस्वरूप सदाजीको मन्तव्य। उहाँले मुसहरहरूको हक हितको लागि संगठित भएर अगाडि बढ्नको लागि एउटा मार्गदर्शकको रूपमा रहेका दिना भद्रीको सम्झना गर्दै अबका दिनमा मुसहरहरूले आफ्नो हक अधिकारको लागि आफै सङ्गठित भएर लड्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। यहाँ तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ यो मुसहर समुदायको आस्थाका प्रतीक दिना भद्रीको मेला हेर्नको लागि मानिसहरूको भिड छ। यहाँ हामी दिना भद्री जस्तै हामी पनि बलवान हौँ, हाम्रो पुर्खा पनि जस्तो थियो हामी त्यस्तै हुनुपर्छ। ऋषिकुल वंशको मुसहरहरूले ऋषि जस्तै आफ्नो बौद्धिकतालाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा उनीहरू अगाडि बढेको छन्। आके नाम कति भेले? हमर हकु सदा है मिर्चिया घर। मिर्चिया सिराके मिर्चिया घर। हजुर हजुर। त बा कतै लिए त? अहिले जे दिना राम दिना भद्री के मेला में हम सब दर्शन करली बाबा के। बोरिसि में एकरा भी आबै छी कि? हां एक बाजी आ आइ ओजगा दिन सब साल आबै छी। हां कति कति महत्व छ दिना भद्री के बारे? दिना भद्री के अते दिन से त हम सब नै बुझै छलिए या आबै जे हमरा और के कति भेलै नाम कहै छी हमरा और के ऊपरी तकली सब जतिया के नाम उच्च भेल छै
हमरा के हक अधिकार कुछ नहीं भेटल है ताहि के लागि हमसब एकटा मुसहर समुदाय के लागि हक अधिकार लागि मांगे के चाही में एक मंदिर बनब के लागि में चंदा द के हो कुछ द के हो हमसब एक ऊपरी कर चाहे सरकारों ला आवाज उठा सकते हमारा के बहुमत कनी कम थे अब सब तो घेरे रहे बिना राम भादरी के बारे में कति मालूम थे पहलका जमाना में कहे चले मुसहर सब कैसे कहने सुनाइए बोलू सोने बढ़ सुल के मुसहरी जब कोई कहे कथी बनल के कोई कथी बनल के झुमकारे फलना चिल्ला बनल के कह के तो कल के दिना राम दिना भद्री भैया हो तो चलो तो मुसहरी में कोई चीज रहे आके नाम कथी बोले राजकुमारी बता बोले घर सिराहा जिला कौन ठाम दीना राम दीना भद्री के बारे में आखिर कथी मालूम छे कतिया खाप में मारल गेल तो अपन जाति नहीं उठा अथी कल जाति कलकै तो घर गुआर जादव लगे गुआर लगे गुआर कटल के लिए अपने अथी कर दही तो पार घाट लगा दही ओकरे देने है ढेरी गुआरे जादव आर के देने दीना भद्री जस्तै मुसहरहरूको पनि जुन अहिले दयनीय अवस्था छ त्यो अवस्थाबाट उनीहरूको अवस्था सुध्रिएर जाओस् यही छ शुभकामना धन्यवाद।